वहीदा रहमान के फैन हो गए थे धर्मेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन भी। उस वहीदा रहमान की आज दोस्तों आप सभी के बीच हम फिर करेंगे बात। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का दोस्तों हमारे शो अनटोल्ड स्टोरी में। जैसा कि आप जानते ही हैं, फिल्मी कलाकारों की पुराने जमाने की कहानियां हम पेश करते हैं, गोल्डन जुबली पीरियड की एक्ट्रेसेस की फिल्मी सफर की हम बात करते हैं। मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको रूबरू कराती हूँ। हिंदी सिनेमा जगत आज अगर पूरी दुनिया भर में टॉप पे है तो इसमें योगदान एक नहीं दो नहीं कई ऐसे बड़े कलाकारों का है जिन्हें कभी भी नहीं नकारा जा सकता है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक्ट्रेसेस हमेशा सुर्खियों में रहेंगी। आज दोस्तों जब बात वहीदा रहमान की हो रही है तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि कैसे वहीदा रहमान ने फिल्म इंडस्ट्री के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को थप्पड़ जड़ा। जी हाँ, वो वहीदा ही है जिनकी इतनी हिम्मत थी कि अमिताभ बच्चन को थप्पड़ जड़ चुकी थी। जया के हाथों भी थप्पड़ शायद ही खाया होगा अमिताभ ने, लेकिन वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन को थप्पड़ से काफी चौंकाया। इसके बाद क्या हुआ आगे जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट में वहीदा की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो कई ऐसे कलाकार हैं जो काफी ज्यादा खुलकर अपने इंटरव्यूज में बात रखते आए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन की फेवरेट एक्ट्रेस यानी कि वहीदा रहमान के बारे में। 60-70 के दशक की मोस्ट टॉप एक्ट्रेस, सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस वहीदा रहमान, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो खुलकर अपनी बात हमेशा से रखती आई। गुरुदत्त के साथ करियर की शुरुआत करने वाली वो एक्ट्रेस जिन्होंने ज़बरदस्त अपनी पहचान बनाने के बाद अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के शहंशाह को अपना दीवाना बना दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि CID फिल्म से सबसे ज़्यादा वहीदा रहमान की हुई थी चर्चा। देवानंद के साथ उनकी जोड़ी की खूब की जाती थी चर्चा, सबसे ज़्यादा रहती थी देवानंद के साथ अपनी फिल्मों को लेकर तारीफ में वहीदा रहमान, जिन्हें 14वीं का चांद फिल्म में सबसे ज़्यादा किया गया था पसंद। साहिब बीवी और गुलाम में उनके कोलैबोरेशंस को लेकर हुई थी बातें। गुरुदत्त के साथ उनके जो ज़बरदस्त बॉन्ड थे उसकी हमेशा तारीफ हुई। ऐसे में वहीदा रहमान ने धर्मेंद्र के साथ भी बहुत ज़बरदस्त पहचान बनाई। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वहीदा रहमान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि लोगों को शायद मालूम ना हो। वहीदा रहमान ने एक बार कहा था, टिल टुडे नोबडी नोज, जस्ट दिस इवनिंग आई वॉज स्पीकिंग टू गुरुदत्त सिस्टर ललिता लाजमी एंड नीस कल्पना लाजमी, नोबडी really knows what happened. At the time, I wasn't in Mumbai. I was in Chennai and returned to this horrific news. दरअसल यह तब की बात है जब काफ़ी ज़्यादा उनकी मुलाकातें कम हो गई थी गुरुदत्त के साथ। 10 अक्टूबर सबसे ट्रैजिक डे, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा लॉस था गुरुदत्त को फिल्म इंडस्ट्री से खोना। सबसे ज़्यादा सदमे में वहीदा रहमान रहे थी। उनके मेंटल स्टेट के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानती थी, किस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो जूझ रही हैं, वो जूझ रहे थे ये वो नहीं जानती थी। उन्होंने सिर्फ कहा था कि इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा बुरा दिन था वो। वही वहीदा रहमान अपनी निजी ज़िंदगी पर भी कई तरह की बातें हमेशा से करती आई थी। उन्होंने कई बड़े कलाकारों के बारे में बात किया था। हम आपको बताना चाहेंगे वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन के बारे में भी स्टेटमेंट जो दिए थे काफ़ी हैरान करने वाले थे, और उन्होंने कुछ ऐसा कहा था जो किसी ने सोचा ही नहीं था। एक बार अमिताभ बच्चन को वहीदा रहमान ने थप्पड़ तक मारा था। क्या आपको मालूम है कि इस बारे में
वहीदा रहमान बात करने से दूर रहती थी क्योंकि वहीदा के साथ वो गलती से हुआ था। रेशमा और शेरा फिल्म की शूट के दौरान अमिताभ बच्चन को वाहिदा ने थप्पड़ जड़ा था और इसके बारे में द कपिल शर्मा शो में उन्होंने बात रखी थी। वाहिदा, आशा पारेख और हेलेन तीनों आए थे शो में और तब वाहिदा ने कहा, मैंने कहा अमिताभ बहुत कस के लगाने वाली हूँ। शॉट हुआ और अमिताभ ने कहा, वाहिदा जी काफ़ी अच्छा था। अमिताभ बच्चन, आई एम गोइंग टू हिट यू हार्ड आफ्टर द शॉट, ही सेड, वाहिदा जी इट वॉज क्वाइट गुड। थप्पड़ खाने के बाद, थप्पड़ वाले सीन की बात, अमिताभ ने वाहिदा रहमान के हाथों थप्पड़ खाने पर ये कहा था। वैसे थप्पड़ वाला कॉन्ट्रोवर्शी काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने एक बार कहा था, सुनील दत्त ने, फिल्म डायरेक्टर ने ये कहा था, स्लैप करने का से प्रिटेंड करना था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था। सुनील दत्त ने देखा अमिताभ को जब थप्पड़ उन्होंने मारा तो वाहिदा को कहा कि अगले बार से सिर्फ एक्टिंग करना थप्पड़ मारने की, रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल मत करना। वाहिदा रहमान ने तमाम प्रोजेक्ट्स में उस वक्त काम किया था। वाहिदा रहमान ने तब साल 1971 में रिलीज़ होने वाले इस फिल्म से काफ़ी तारीफ बटोरी। उस समय अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारने के बावजूद क्रिटिक्स और व्यूज से उन्हें काफ़ी तारीफ मिली। वाहिदा के डांस और एक्टिंग के तो अमिताभ दीवाने थे, यही कारण है कि उनके हाथों से वो थप्पड़ थक खाकर अपने आप को एम्बेरस नहीं उन्होंने महसूस किया, बल्कि उन्हें इससे तकलीफ भी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम आप सभी की फेवरेट वाहिदा रहमान को लेकर। अब वक्त हो चला है आपसे यही विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों की लाइफ के बारे में जानने के लिए, आपके फेवरेट अभिनेताओं की जिंदगी के किस्सों से रूबरू होने के लिए और अपने मन पसंदीदा सितारों के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने के लिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। साथ ही साथ नेक्स्ट 9 पर मेल कर सकते हैं आप। फिलहाल अब लेंगे इजाजत, देखते रहें बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट की खबर हमारे चैनल के साथ, और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वक्त महामारी का समय है तो वहीदा ने भी कहा था सेफ्टी जरूरी है, अमिताभ ने कहा घर पर रहो सेफ रहो, तो आप इनके प्रशंसक हैं तो हमें उम्मीद है आप इनकी बातों का ख्याल जरूर रखेंगे। फिलहाल लेते हैं इजाजत, देखते रहें एंटरटेनमेंट की दुनिया नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।